हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पुष्पा डिज़ाइन पर स्वागत है। तो आज करेंगे बहुत ही प्यारी सी लटकन कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है अस्तर पे, जो इसकी विड्थ है वो है 4 इंच और लंबाई है 13 इंच। तो जितना मेरे पास फैब्रिक था मैंने लंबाई ले ली है इसकी। और एक और ये लटकन है, तो ये है 3.5 पे मैंने बॉक्स में कट कर शेप दे दिया है कटिंग का। तो दोनों लटकन हमारी यहाँ पर रेडी है। पहले हम इसको ओपन करके अस्तर पे पहले सिलाई लगा लेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर पर हम इसको रेडी करेंगे। तो रेडी मैंने कर लिया है, अब यहाँ पर हम डोरी रखेंगे सेंटर में। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच जितना सिलाई लगाना है, तो पक्का करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे सीधी। और इस तरफ से हमें डोरी को अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है, अब इसको हम पलट लेंगे। तो इसको हम पलटते हुए यहाँ पर हम जितना फैब्रिक है उसको हम वापस इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही इजीली ये लटकन बनके रेडी हो जाएगी। अच्छे से पहले हम नोक बार निकाल लेंगे, कॉर्नर वगैरह, फिर इसको हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ डालना है। और यहाँ पर हमें डोरी को किनारे पे रखते हुए यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी लटकन बनके रेडी हो गई इजी। उस साइड हम ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें फैब्रिक रख लेंगे, पहले बीच में सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमें डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। और यहाँ पर हमें किनारे पे डोरी को किनारे पे रखना है और यहाँ पर हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन कवर करते हुए सीधी सिलाई लगानी है। और इस साइड से हमें डोरी को अंदर के साइड रखते हुए यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी लग गई है, अब इसको हम पलट लेंगे। और यहाँ पर हमें डोरी बाहर की तरफ खींचते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की तरफ डालते हुए लटकन रेडी कर लेंगे। तो लटकन हमारी रेडी है और यहाँ पर हम नीचे छोटी वाली जो लटकन है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं और इसको हम रखेंगे एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ सिलाई हमें 1/2 फुट जितना हमें सिलाई मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर पे मैंने ये कट किया है, अब इसको हम ओपन करते हुए अस्तर पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी लग गई है और यहाँ पर हमें इसको पूरा बाहर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो लटकन हमारी ये रेडी है बनके। ऐसे ही मैंने बहुत सारी लटकन बना के रेडी कर ली है। देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर बनके हमारी ये लटकन रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लटकन बना के रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे डोरी को भी कट कर लिया है। 2 इसमें बड़ी है, बाकी 4 छोटी है। तो इसको हमें सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमें कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। तो 1/2 फुट जितना हमें कॉर्नर पर सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो जितने भी मैंने छोटे छोटे पीसेस रखे हैं उन सब पर मैं ऐसे ही लटकन लगा के रेडी कर लूँगी। देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से शेप आया है अम्ब्रेला शेप में।
ऐसे ही मैं पूरे जो हमारी छोटी छोटी डोरी है उस पर हम अटैच कर देंगे लटकन। तो देखिए यहाँ पर हम पक्का करते हुए एकदम सीधी सिलाई लगानी है और नीचे से भी पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और इसको अब हम टर्न करेंगे तो हमारे ये शेप बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होगा। ऐसे हम पूरे लटकन रेडी कर लेंगे। तो लटकन हमारे रेडी है सारे। अब इसको हम सेट करेंगे तो बड़े वाले को बीच में रखेंगे और उसके पास दोनों छोटे छोटे, और यहाँ पर हमें कॉर्नर पे इसको अटैच करना है। तो तीन को यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। तो देखिए अटैच हमारा हो गया है और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा डोरी को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा डोरी को मैंने कट कर लिया, बहुत ही सुंदर हमारी लटकन बन के रेडी हुई है। और यहाँ पर हमें और लटकन अटैच कर लेंगे जो हमारा जॉइंट नहीं दिखेगा। तो जॉइंट के ऊपर से हमें इसको रखना है फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए, हाफ जितना हमें सिलाई मार्जिन कवर कर लेंगे। और डोरी को हमें खींचते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसको अभी हम पलट लेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारी ये लटकन बन के रेडी हो गई है। उस साइड से हम ऐसे ही लटकन बना के रेडी कर लेंगे। और ये लटकन मैंने लहंगे के लिए रेडी की है, तो मैं आपको लहंगे पर अटैच करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमें सेंटर में इसको रखेंगे, बड़ी वाली को और छोटे वाली को पास में, और यहाँ पर हमें लॉक कर लेंगे अच्छे से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक और फैब्रिक अटैच कर लेंगे। लटकन हमारी रेडी है, बहुत ही सुंदर और प्यारी लटकन बन के रेडी हुई है। आपको ये लटकन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब हम लहंगे पे अटैच करेंगे। तो लहंगे पे हमें जो सेंटर है हमारा कमर का, वहाँ पे हमें फ्रंट साइड में 1 इंच फ्रंट में हमें अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर बेल्ट के जो कमर का बेल्ट है उसके अंदर रखते हुए यहाँ पर मैं पक्का कर लूँगी। तो 2-3 बार हमें ऐसे ही पक्का कर लेंगे। तो लटकन हमारी लहंगे पे लग गई है, बहुत ही सुंदर और प्यारी बनके रेडी हुआ हमारे लहंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।